अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। दाता दरबार पर खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको बताते चलें, दाता दरबार पर आज सुबह ये धमाका किया गया था, खुदकुश हमला किया गया था। खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त 24 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमलावर जो था वो आ रहा था। दाता दरबार पर खुदकुश हमला किया गया, आज सुबह ये खुदकुश धमाका किया गया था। और आप देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह से ये हमलावर आया और इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दाता दरबार पर हमले की जो फुटेज है वो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये नौजवान आया। एलीट फोर्स की गाड़ी भी इस फुटेज में आप देख सकते हैं, और जैसे ही ये नौजवान इस गाड़ी के करीब आया, इसने ख़ुद को बम धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश जैकेट इसने पहनी हुई थी, और जैसे ही एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब ये नौजवान पहुँचा, इसने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। आज सुबह 8:48 पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया था। दाता दरबार के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी मौजूद थी, जिसको टारगेट किया गया था इस खुदकुश बमबार की जानिब से, और एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब आकर इसने खुद को खुदकुश जैकेट से उड़ा लिया था। इस फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये नौजवान यहाँ पर आया, और जैसे ही ये इस गाड़ी के करीब पहुँचा, जो कि एलीट फोर्स की गाड़ी थी, इस गाड़ी के करीब पहुँचते ही इस खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दाता दरबार पर खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। विजुअल्स भी आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस धमाके में एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, और इस अफसोसनाक हादसे में 10 अफराद जान बहक हुए थे। इन 10 अफराद जो कि जान बहक हुए थे, उनमें से 5 एलीट फोर्स के जवान ही शामिल थे, जबकि 5 आम शहरी भी शामिल थे। विजुअल्स आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये नौजवान गाड़ी की साइड से आ रहा है, और जैसे ही ये नौजवान एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब पहुंचा, इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज वकास अहमद से। वकास, सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज में भी और उसके में देखा जा सकता है कि जो खुद से हमला हुआ था वो तीसरा रोड तरफ से आता है, और जो अली फोर्स गाड़ी के टिकट निकालते थे उन्हें अबूर करता हुआ सीधा गाड़ी के पास पहुंच जाता है। इससे पहले के पुलिस अहलकार उस नौजवान को रोकते, वो गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गया, खुद को धमाके से उड़ा लेते हैं, जिसके नतीजे में वहां पर जो गाड़ी में सब बैठे हुए अहलकार थे ड्यूटी पर, वो भी इसकी गत में आकर शहीद होते हैं, और आसपास के जो गाड़ियों आम शहरी थे वो भी इसकी गत में आते हैं। पुलिस की तरफ से अब इस बात पर तहकीकात की जा रही है कि क्या हमलावर रात ज़्यादातर दरबार के अतराफ में ही कहीं कयाम किया था, यहाँ पे सिर्फ सुबह यहाँ पे सिर्फ फिलिकेटर लेके आए थे। इसीलिए पुलिस ने ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से बल्कि जो दरबार का मल्टी कंट्रोल रूम है, जितने भी अतराफ के कैमराज हैं, उनकी मदद से उस रूट की तलाश शुरू कर दी है जिसके जरिए से हमलावर को वहां तक पहुंचाया गया था। तो ज्यादा इम्कान पुलिस को खदशात इसलिए हैं कि ये रात यहीं पे अतराफ से कहीं आदत ने बदल की, तो सुबह उसको तीस में रोड के अतराफ के कॉर्नर से उस हमलावर छोड़ के गए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज ना और जो मुख्य दुकानों और बाजार में नस्ट कैमराज हैं उनकी मदद से भी जल्द शनाख्त कर ली जाएगी। अब तक फुटेज में देखा जा सकता है कि जो हमलावर है उसकी उम्र 18 से 20 साल के दौरान है, दाढ़ी इसके चेहरे पे नहीं है। ये पहला ऐसा वाक्य होगा का जिसने जो बंबार था उसने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, बल्कि वो शलवार कमीज में मलबूस था, और शायद इसी वजह से जैसे उसकी हालत इस तरह इतनी बज़ाहिर गंदी या मशकूक नहीं थी कि जिसको फौरी तौर पर पुलिस अहलकार रोकते, और जैसे ही वो उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया तो इसके फौरी बाद इमदादी काम भी शुरू कर दिया गया है। ट्रांजिट टीम में सीसीटीवी और दीगर जो नाफज करने वाले अदारे हैं उन्होंने जो शवाहद इकट्ठे किए हैं वहाँ से उनको साथी की लेबॉरिटी भिजवा दिया गया है, ताकि जो पुलिस के पास पहले से डाटा मौजूद है टैक्सी के दीगर वाकयात का, उनसे कंपेरिजन किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके, किसी हतमी नतज तक पहुँचा जा सके कि कौन सी तंजीम है जिसने ये धमाका करवाया है। ये सही वकास, जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले यहाँ पर जैसा कि ये नौजवान देखा जा सकता है फुटेज में कि आगे आ रहा है, इसे कोई रोकता, लेकिन देखा जा सकता है कि सिर्फ एलीट फोर्स की गाड़ी मौजूद है, कोई सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है।
अली पुलिस की जो गाड़ी थी वो खुद सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी। बेसिकली जहाँ पे ये धमाका हुआ है ये मेन रास्ता है जो तरावी रोड सामने से गुजरता जाता है बाहर में दाखिले के लिए, गेट नंबर एक और गेट नंबर दो। तो गेट नंबर दो है वहाँ से सिर्फ खवातीन की एंट्री होती है, गेट नंबर एक से लब्दों की एंट्री होती है। इसलिए होता इसका अच्छा ऐसे है कि बहुत सारे लोग जिनको इस चीज का इल्म नहीं होता, जहाँ पे लोग जानबूझ कर जो लाइन लगी होती है खवातीन की या मर्दों की उससे बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। पुलिस एहलकार जो वहाँ पे तैनात होते हैं वो लोगों को गाइड करते हैं कि जब आप क्यू में आ जाएं। आज चूंकि रमजान मुबारक का रमजान की वजह से सुबह सुबह ट्रैफिक कम था, इसीलिए इससे पहले के पुलिस एहलकार जो वहाँ पे तैनात थे या अली फोर्स के एहलकार वो नौजवान को रोकते या उसको रोक के चेक करते या उसको ये उसको कहते कि अगर आपने दल दरबार के अंदर जाना है तो मर्द वाला गेट इस्तेमाल करें। उससे पहले ही उसने सबको ब्लास्ट कर लिया गया है। सदर दरबार की सिक्योरिटी हमें जब लास्ट टाइम यहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़ हुआ था तब से लेकर अब तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, और यही वजह है कि 26 नवंबर जो था उसने सदर दरबार के अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो आउटर लेयर से सिक्योरिटी डिप्लॉय थी फर्स्ट जो टीम थी वहीं पर आप खुद को धमाके से उड़ा लिया है। अगर ये अंदर जाने की कोशिश करते यकीनी तौर पर इसको 3 मुख्य जगहों पर चेक होना था, और चेक होने के वक्त इसके पकड़े जाने के इम्कान बहुत ज्यादा थे। इसीलिए उसने ना तो एंट्री पॉइंट की तरफ रुख किया और ना ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की, बल्कि वो सिक्योरिटी टीम अली फोर्स की टीम जो कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रिस्पॉन्ड करने के लिए कॉर्नर पे गेट नंबर 2 के पास मौजूद थी, उसी को जाके हिट किया है। सही वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, दाता दरबार पर आज सुबह जो खुदकुश हमला हुआ था, इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। इस फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये नौजवान जिसकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान है यहाँ पर आता है। दाता दरबार का ये गेट नंबर 2 है और एलीट फोर्स की गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, और नौजवान इस गाड़ी के करीब आया और इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस वाकये की फुटेज आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि एलीट फोर्स की गाड़ी को ही टारगेट किया गया, और ये नौजवान जिसकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान बताई जाती है, इसको जैसे ही ये गाड़ी के करीब पहुंचा इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। प्रकाश साहब को आप स्टूडियो में बैठे हुए लोगों के ऊपर तश्वीश हो रही है कि कौन किस एजेंसी का खासतौर के नाम ले रहे हैं, ये सारे आपके यहाँ के कुलीग्स हैं। अच्छा, आप पहचाने इनको? अच्छा अच्छा, ये अच्छा अपना वो है जो इन्होंने मेकअप किया आपका, हमारा रंग बदल दिया, आपका रंग बदल, हुलिया ठीक कर दिया, रंग का काम ही हुलिया ठीक करना है। जिया साहब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिर्फ कोई ये समझाए कि कानून की इस तरह खिलाफ वर्जी करने से मियां नवाज शरीफ को क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये पूछ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को क्या नुकसान होगा? जी मेरे ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी बड़ी वाहवाह होगी और कहा जाएगा ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से कि नैब ने गिरफ्तार करने के लिए भेजा हमजा शहबाज को, हमजा शहबाज के साथियों ने कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, नैब के 2-3 स्टाफ के लोग वहां खड़े होके लरसते रहे और कांपते रहे, और थोड़ी देर बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को बेल दे दी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म का निजाम चल रहा है, नैब ने उसको बेल नहीं दी और नैब ने तो दोबारा उसे बुलाया हुआ है और ज्यादा सबूत जमा किए हुए हैं उनके बारे में। अब फिर कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई इस्लामाबाद कोर्ट, कोई लाहौर कोर्ट जो है उसको उसकी उसके उसको रियायत दे देगा, और यूं लगता है कि पैरलर सिस्टम चल रहे हैं मुक्त मुल्क में, अदालतों के भी पैरलर सिस्टम चल रहे हैं, मतवाजी निजाम चल रहे हैं। और मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरी तो कमर बड़ी कमजोर है, मुझे तो फौरन अंदर कर दिया जाएगा इस तरह की बात मेरे शो पे जाएगी तो। चलो अगर देखा जाएगा, जो अंदर अगर होना ही है तो फिर इसी बात पे हो जाए, किसी उसूल पे तो हो भाई। भाई ये तो सही है, ये आप सही कह रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, क्या आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे?
मुबशर साहब, आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए कि पंजाब में जो माजरत के साथ जिस तरीके से उनकी बेल्स हो रही हैं, जिस तरीके से उनके हक में फैसला आया शहबाज शरीफ साहब की, हमजा की और बाकी उनके कुछ लोगों की बेल्स हुई हैं, लेकिन और जिस तरीके से उन्होंने नैब का मजाक उड़ाया, नैब का कुछ तरीकाकार भी गलत था, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बरक्स पीपल्स पार्टी के केसेस सिंध से उठा के रावलपिंडी नैप और इस्लामाबाद में लगा दिए गए और ये कहा गया कि वहां ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक बात तो मुझे बताएं, तो मकसद ये है कि फिर ये भी यहां लाइए, इक्वालिटी दिखाइए, बेग साहब एक बात तो बताएं, केसेस इस्लामाबाद में लाएं ताकि ये इन्फ्लुएंस बकायदा गिड़गड़ा के रोए थे, बकायदा गिड़गड़ा के रोए थे और इंसानी हकूक की बुनियादों पर इलाज कराने के लिए ये जो है ना रिलीफ मिला था, तो यहाँ पे वो इलाज के तो कोई नजर नहीं आ रहा। जेल में जाती तबीयत खराब हो जाएगी, बाय द वे एंजाइना के अटैक्स भी होंगे और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, शुगर भी हिट कर जाएगी, किडनी भी फेल हो जाएगी और वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सब उड़ जाएंगे, सोडियम और पोटेशियम और इनकी सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। ये इम्बैलेंस अगर है तो रियासत का हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली मुबशर साहब, देखना यह है कि अगर आपने रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करवाना है तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए, एक शख्स को या कुछ लोगों को रायत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। वैसे मकसद ये है कि अगर आपने यही काम करना है तो फिर बाकी लोग जो जेल में पड़े हुए हैं उन बेचारों को भी छोड़ दीजिए। इफ्तिखार भाई कुछ मोहसिन साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सिकंदर नवाज शरीफ किस रियायत का फायदा उठा रहा है? ये रायत नहीं है क्या कि 60 दिन की उनको रायत? वो उसके खिलाफ जी नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो जब तक वो डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक तो वो कैप्टन सफदर की आवाज आना बंद हो गई है, तब तक ये बेग साहब ये क्या साइंस है? आवाज तो मरियम साहिबा की भी आना बंद थी, ट्विटर भी बंद था जब से नवाज शरीफ साहब की अपील एक्सटेंशन की मुस्तरद बेग साहब, मैं एक सवाल कर सकता हूं? आ गया और ट्विटर भी बहाल हो गया। बेग साहब और मजाज साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बेग साहब और मजाज साहब, ये जो कुछ आज हो रहा है आपका क्या ख्याल है, ये प्लानिंग किसकी होगी? क्योंकि जब पाकिस्तान तशरीफ लानी थी मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, तो तब भी किसी ने प्लानिंग की थी, तो आपका ख्याल है कि दोनों प्लानिंग एक ही शख्स या एक ही ग्रोह की हैं या इन दोनों ग्रोह में कोई फर्क है? एक ही शख्स की है जी, उनका नाम मोहतरमा मरियम नवाज है। तब भी प्लानिंग ये था, वो ये समझ रही थी कि आएंगे और फूल बिक जाएंगे और हम अदालतों से रिलीफ ले लेंगे, वो उस